नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीयूष, आप देख रहे क्वेश्चन आर भारत। अभी मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक न्यूज शेयर की और मैंने कुछ बातें कही, उस पर मैं आपका विचार चाहता हूँ। उस वीडियो के माध्यम से भी कुछ चीजें आपको याद दिलाना चाहता हूँ। कुछ बातों पर गौर करने की बहुत जरूरत है और कुछ लोगों से सवाल पूछने की भी जरूरत है। वो कौन लोग हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा जैसे जैसे मेरे सवाल उठते जाएंगे। पहली चीज, भारत ने, मैं फिर से बता दूं जो मैंने न्यूज पोस्ट की उसके बारे में पहले बता दूं, फिर आगे बात करेंगे। भारत ने ऑलरेडी पिछले 15 दिन में 4,600 के आसपास अफगानियों को वीजा इशू कर दिया है। अभी हाल ही में भारत ने कहा है कि हम ई वीजा को फास्ट ट्रैक कर रहे हैं, इजी बना रहे हैं ताकि सारे के सारे अफगानी अप्लाई कर सकें और हिंदू मुस्लिम रिलीजन वाला कॉलम हटा रहे हैं। ठीक है, उसके उस फिल्टर के अलावा आप इजी कर सकते हैं, आप उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप भारत में आइए, 6 महीने तक उसकी वैलिडिटी होगी, आप यहाँ आइए और कागज देते जाइए जितने भी आप दे सकते हैं, ताकि और एक्सटेंड करना हो तो एक्सटेंड करिए, नहीं तो आप यहाँ के टैक्स पेयर्स के पैसे, मतलब ये भारत सरकार का नहीं कहना, मैं कहना हूँ यहाँ के वो टैक्स पेयर्स के पैसे पे पलेंगे, यहाँ का रिसोर्स वो एक्सप्लॉइट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद भी उन्हीं में से कुछ उठ के गालियां देंगे कि भारत में तो मुसलमान खतरे में है, भारत में तो इस्लाम को फलने फूलने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ तो शरिया लागू नहीं करने दी जा रही। फिर मेरा सवाल उठता है कि अफगानिस्तान में जब शरिया लागू की जा रही थी तो आप भाग के क्यों आए थे? क्या अब मुसलमानों को इस्लाम से डर लगने लग गया है? शरिया ही तो लागू हो रही है, क्या दिक्कत है? जो किताब में लिखा वही तो पालन कर रहे हैं, आपको दिक्कत क्या है? फिर आप यहां भाग के क्यों आए? पहली चीज। दूसरी चीज, आप सब एक खुद से सवाल पूछिए और बाकी भी लोगों से पूछिएगा जो अपने आपको इंटेलेक्चुअल कहते हैं, कि दुनिया के सारे पिटे हुए मुसलमानों का घर क्या है? भारत। फिर OIC क्या कर रहा है? इस्लामिक कंट्रीज, अरब वर्ल्ड, सऊदी अरेबिया, जितने भी सब टंटे हैं आपस में एक दूसरे को समझते हैं, जो 56 कंट्रीज हैं जो बहुत रिच हैं, ऑयल से एकदम लैस हैं, बेच बेच के खूब पैसा कमाया है, उन्होंने एक बार भी इंटरफेयर क्यों नहीं किया? उन्होंने ना अपने ट्रूप्स भेजे, ना मदद भेजी, ना बुलाया और ना ही कोई स्टैंड लिया, और अल्टीमेटली सारे पिटे हुए यहीं आना चाहते हैं। ऐसा क्यों? कोई जवाब है किसी के पास? दूसरी चीज, अभी हम रोहिंग्या की प्रॉब्लम झेल ही लेते हैं, मैं पिटे हुए सही मतलब था कि जो अभी रोहिंग्या जितने मुसलमान हैं वो पिट के ही आए थे यहाँ पे, उनको हम पाल ही रहे हैं कैसे भी करके, उनका समाधान हम निकालने ही वाले थे कि कोरोना आ गया और अब अफगानी आ गया। अभी कैसे इंश्योर किया जाएगा कि जितने अफगानी हैं उनकी मूवमेंट ट्रैक करेंगे? ये कैसे इंश्योर होगा कि वो हमारे में घुल मिल के ही ना बस जाएं? जैसे कहते हैं ना कि मुगल हमारे में घुल मिल गए, वो हम ही बन गए, हम में से एक बन गए, है ना? खैर वो फालतू बातें हैं, लेकिन खैर ये कैसे इंश्योर होगा कि हम डिफरेंशिएट करेंगे और उनको जल्दी से जल्दी सही जगह पे भेज देंगे? और ये कैसे इंश्योर होगा कि जब इनकी डिमांड उठेगी कि हमें यही रहने दिया जाए तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ह्यूमन राइट्स वाले तब नहीं पनप जाएंगे? ह्यूमन राइट्स वालों का अभी तक मैंने नहीं सुना, हो सकता है कभी कमेंट किया हो, मैंने नहीं सुना कि अफगानिस्तान इशू पे, अफगानिस्तान लिंचिंग पे, मॉब पे, मर्डर पे, किलिंग पे, बुचरिंग पे, कन्वर्जन पे, स्लेवरी पे, सेक्स स्लेवरी पे, बच्चों की जो हो रही है उस पे कुछ बोला गया है कि नहीं, मुझे नहीं पता चला अभी ह्यूमन राइट के द्वारा। लेकिन तब जब भारत कहेगा कि हम जो उनको लाए थे अब हम भेजना चाहते हैं, कोई देश ले ले, कोई देश लेना भी नहीं चाहेगा, और ह्यूमन राइट वाले कहेंगे आप यहीं पालो, कहाँ फेंकोगे, पानी में फेंकोगे? मुझे इसका समाधान दे सरकार, पब्लिकली कुछ बताए। और जो मैंने अभी बात कही कि वो कैसे पलेंगे, क्या आपने इनका पालन पोषण का कुछ मैकेनिज्म तैयार किया कि इनकी फंडिंग कहाँ से आएगी? क्या ग्लोबल कम्युनिटी देने वाली है? क्या इस्लामिक वर्ल्ड देगा, इतना भी करेगा कि चलिए हम नहीं लाए आप ले गए, बहुत अच्छी बात है, हम आपको फंड कर देते हैं ताकि इनका पालन पोषण करें, ना कि भारत के टैक्स पेयर्स के पैसे पे पाली? इसका क्या इंतजाम है भारत सरकार मुझे पता है, और नहीं तो जनता प्रेशर बनाए कि भारत सरकार जवाब दे बनाए उसकी। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ऐसा ये सब इतना रुडली क्यों बोल रहा हूँ, इन लोगों के लिए बेचारे प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, आ रहे हैं, लेकिन भारत में ही एक ऐसा समाज था ना, मैंने बोला ना उनको दिक्कत थी जब प्रताड़ित पीड़ित हिंदू आना चाहता था, दिक्कत थी ना उनको, तो मुझे भी दिक्कत है कि वो मानसिकता भारत में नहीं पनपनी चाहिए, जिसकी वजह से अभी अभी हम हाल ही में बंगाल देखा, कुछ समय पहले ज़्यादा नहीं कश्मीर देखा, मुगलों का काल देखा ही है, मुगलों और तालिबानियों में कोई फर्क नहीं, उस वक्त के मुगल आज के तालिबानी सेम हरकतें करते थे, बस आप देख लीजिए कि उस वक्त मुगल कैसे रहते होंगे, आप देख लीजिए कि तालिबान क्या कर रहा, $50-$50 में बोलियां लग रही हैं। महिलाएं भी कर रही हैं, बच्चियों को सेक्स स्लेव के लिए बेचा जा रहा है, लोग वहां पे एयरपोर्ट में छोटे छोटे बच्चे छूट जा रहे हैं, किसी को ह्यूमैनिटी की चिंता नहीं है सर। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने इतिहास को मत भुलाइए, अपनी बहादुरी, अपनी दिलेरी, अपनी
ह्यूमैनिटी दिखाने के चक्कर में, दोबारा ये सब मत होने दीजिए, अब मौका नहीं मिलेगा। अब इस वीडियो को खत्म करते करते एक इंपॉर्टेंट बात के साथ आपको छोड़ जाना चाहता हूँ। अभी कुछ समय पहले जब सीए का माहौल चल रहा था, बात चल रही थी कि जितने भी प्रताड़ित हिंदू हैं या नॉन मुस्लिम्स हैं, अगर ये कहते हैं उन देशों से, इस्लामिक कंट्रीज से, उन्हें हम लेंगे, तो यहाँ सबको लग रहा था कि भाजपा तो अपना वोट बैंक बनाना चाहती है, भाजपा तो इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, भाजपा तो मुसलमान विरोधी हो गई है। लेकिन उन्हीं तीन देशों में से एक देश अफगानिस्तान, जहां से मुसलमान आ रहे हैं प्रताड़ित होके, आखिर भारत ले ही रहा है ना, इस पे किसी ने भारत की तारीफ क्यों नहीं की इन सारे सेकुलर लिबरल में से? तारीफ छोड़ो, मुझे तो गुस्सा आ रहा भारत पे इस हरकत पे। हम अपने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए कब तक ये सब हरकतें करेंगे? हमें ग्लोबल स्टेज पे क्या, ऐसी कौन सी छवि बनानी है? क्या आपको यूएन की परमानेंट मेंबरशिप मिल रही है, क्या मिल पाएगी, इसकी कोई आशंका है इस वजह से? अगर हाँ तो ठीक है, कुछ टाइम के लिए ठीक है, लेकिन आप इनके लौटने का क्या इंतजाम कर रहे हैं, ये भी आप इंश्योर अब भी कर दीजिए, बस मेरा ये कहने का मतलब। क्योंकि मुझे पता है कुछ दिन बीतते ही, जब वो दिन नज़दीक आएगा कि अब सिचुएशन, कुछ दिन मतलब 6 महीने शायद बीत जाएं, उसके बाद ये लोग सारे सेकुलर लिबरल ह्यूमन राइट वाले आपको बिल्कुल प्रेशराइज करने लगेंगे कि इनको अब मत भेजो, क्योंकि इन्हें कोई ले नहीं रहा। उस वक्त आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे, उस वक्त कोई और भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो क्या उन लोगों को, जिन लोगों को ये लग रहा था कि सीए में जो लोग आएंगे क्या उनके लिए धर्मशाला है, तो हम भी ये कह सकते हैं कि क्या जो आप थोक के भाव में ले आ रहे हैं भारत धर्मशाला है, कोई दुनिया का और देश लेने के लिए क्यों नहीं तैयार है? कोई और देश तो छोड़ो, इस्लामिक कंट्रीज क्यों नहीं ले रही? इस वीडियो में इतना, मैं चाहता हूँ इस बात पर आप सवाल उठाइए, इस पर चिंतन करिए, वीडियो शेयर करिए, और नए हो सब्सक्राइब करना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।